हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। लेट्स मेक ए बिग डिफरेंट इन आवर लाइफ एंड चेंज द गेम। लेट्स नो ABCD अबाउट चेंज द गेम। गाइज, ए मीन्स एक्शन टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। इट मीन वी शुड गो टू राइट डायरेक्शन, यानी कि हमको सही दिशा में जाना चाहिए। गाइज, सबसे पहले तो हमको ये पता करना होता है कि हमको जाना कहाँ है। अगर हमको दिल्ली जाना है तो हमें ये भी पता करना होगा कि दिल्ली किस दिशा में पड़ता है और हम किस दिशा में चल रहे हैं। गाइज, वेयर वी फोकस देयर गेट्स रिजल्ट। हम जिधर फोकस करेंगे उधर ही रिजल्ट पा सकते हैं। यदि हमारा फोकस किसी चीज को पाने में है तो हम उसे पाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। यदि हमारा फोकस पढ़ाई में है तो हम पढ़ाई अच्छा खासा कर सकते हैं। अगर हमारा फोकस किसी सफलता को पाने में है, किसी गेम को अचीव करने में है या किसी मुकाम तक पहुंचने में है तो हम उसी मुकाम को पा सकते हैं जिधर हमारा फोकस रहेगा। जिधर हमारा फोकस नहीं रहेगा उधर हम कतई नहीं सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले तय करना होता है कि हम फोकस किधर कर रहे हैं और हमें किधर करना चाहिए। गाइज, द बी ऑफ चेंज द गेम इज बी पॉजिटिव एंड बी थैंकफुल। इट मीन वी ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वी ऑलवेज बी थैंकफुल टू अदर्स। जो हमें सहयोग करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें इतना आगे पहुंचाने में इतना सारा मदद किए हैं, इन सभी के सभी लोगों के प्रति थैंकफुल रहना है और साथ ही साथ अपने आप को हमेशा हमेशा पॉजिटिवनेस बना के रखना है। मित्रों, जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा पॉजिटिवनेस हमारे पूरे ब्रह्मांड में चक्रव्यूह की तरह घूमता रहता है और जो हमारे पॉजिटिवनेस से हमारे मित्रों को, हमारे सहयोगियों को, हमारे साथियों को भी पॉजिटिव बना देता है। जब हम सकारात्मक बातें करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे एटमॉस्फेयर को सकारात्मक बना देती है और यही गेम चेंज करने का राज होता है। अगर हम गेम चेंज वाकई करना चाहते हैं तो एटमॉस्फेयर को सकारात्मक बनाते चले। गाइस, थर्ड पॉइंट सी ऑफ द चेंज द गेम, सी मीन चेंज द एटीट्यूड एंड थिंक लार्ज। एटीट्यूड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब हम कोई वर्क करते हैं और उस वर्क का, उस विचारों का हमारे माइंड में जो रिएक्शन आता है, ये रिएक्शन ही हमारा एटीट्यूड होता है। किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमने उसका जवाब कैसे दिया, हमने उसके बारे में सोचा कैसे और हमने उस पर रिएक्शन क्या दिया, दैट्स कॉल एटीट्यूड। और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। कभी कभी कोई कहता है कि उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, कभी कभी कोई कहता है बड़ा एटीट्यूड दिखाता है। इट मीन पॉजिटिव एटीट्यूड, इट मीन हमें कितना हम्बल रहना चाहिए, हमें दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमारा एटीट्यूड लोगों के दिमाग में घर कर जाता है। हम जैसा बिहेव करते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, वही हमारा एटीट्यूड बन जाता है। एंड थिंक लार्ज, थिंक लार्ज मीन्स जब भी हम कुछ चीजों को सोचते हैं तो थोड़ा बड़ा सोचें, थोड़ा ज्यादा सोचें, दूर तक की सोचें और साथ ही साथ दूरदर्शी बने। हमें अपने पैरों तक नहीं देखना है, हमें अपने मंजिल के उस मुकाम तक भी देखना है जहां हमारा सफलता, हमारा मंजिल, हमारे मुकाम से सामना होना है। मित्रों, हम जहां जाना चाहते हैं उसके लास्ट पावदान को भी देखें, हमें केवल पैरों तक नहीं देखना होता है, इसलिए बड़ा सोचना होता है। इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं। एक बार एक बहुत बड़े पोएट एक रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, उन्होंने एक आदमी को ऐसे हाथ मलते हुए देखा। पोएट साहब ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने हंस के जवाब दिया, मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं अपने हाथों में मीठी मीठी रोटियां लिया हूं और उसके साथ नमक मिर्च लगा के रगड़ रहा हूं और फिर मैं अपनी सूखी रोटियों को खाऊंगा तो मुझे एहसास होगा कि मेरी सूखी रोटियों में नमक लगा है, मिर्च लगा है और टेस्टी लग रहा है। तो पोएट साहब ने कहा, जब कल्पना ही करनी है तो नमक मिर्च का क्यों कर रहे हो? जब कल्पना ही करना है तो मक्खन का क्यों नहीं करते? जब कल्पना ही करना है तो मिठाई रेवड़ियों की क्यों नहीं करते? तो इसलिए मित्रों,
हमें थिंक लार्ज, बड़ा सोचना चाहिए, बड़े कल्पना करना चाहिए। एक कल्पना हमारे जीवन में साकार होकर हमारे सामने दिखते हैं, इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, हमेशा बेहतर से बेहतर सोचना चाहिए और हमेशा दूरदर्शी बने रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट डी ऑफ द चेंज ऑफ द गेम। डी मीन गाइज डिसाइड योर गोल। गाइज व्हेन यू विल नॉट डिसाइड योर गोल देन यू डोंट नो वेयर आर यू गोइंग। जब आपको गोल ही पता नहीं होगा, आपके अपने लक्ष्य ही पता नहीं है, आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो आपके मुकाम पाने हैं, जो आपके सपने हैं, यही नहीं पता है, तो आप जाएंगे कहां, जाएंगे कैसे और पाएंगे कैसे, एक कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे और आप बंधी हुई नाव की तरह एक जगह घूमते रह जाएंगे, घूम फिर कर आएंगे और एक ही जगह अपने आप को पाएंगे, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। अगर सफलता पानी है तो गेम बनाइए, अगर सफलता पानी है तो उद्देश्य बनाइए, अगर सफलता पानी है तो गोल बनाइए, अगर सफलता पानी है तो अपना विजन बनाइए, अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, बड़ा सोचिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों में शेयर करके हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।